नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लगे वायुसेना के MiG-23 को बेचने का एड ओलेक्स पर, यूनिवर्सिटी बोली गलत पोस्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 2009 में वायुसेना से तोहफे में मिला एक MiG-23 विमान 900 करोड़ में बेचने के लिए ओलेक्स पर एड दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अनुसार यह इसकी जांच कर रहा है। यूनिवर्सिटी ने कहा, ओलेक्स पर दिया पोस्ट गलत है, हमने इसे बेचने या नीलाम करने का कदम नहीं उठाया, यह यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश है। मुंबई में बारिश का कहर, 3 लड़कियां नाले में बही। मुंबई में देर रात से बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। 10 घंटे में 230 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान ने जारी किया नया नक्शा, कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ पर भी ठोका दावा। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद होने के बाद जिस तरह नेपाल सरकार ने बिना बातचीत के अपने देश का नक्शा जारी कर विवादित क्षेत्रों को अपना बता डाला, पाकिस्तान ने भी अब उससे सीखना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान देश का नया नक्शा लागू कर डाला है और इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक का दावा ठोका गया है। इमरान खान ने कैबिनेट की बैठक के बाद देश का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। इस मैप में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने यह ऐलान करते हुए दावा किया है कि भारत ने यहां अवैध तरीके से निर्माण कर रखा है। सन फार्मा ने 35 रुपये प्रति टैबलेट की कीमत पर लॉन्च की COVID-19 की दवा फेविपिराविर। भारत में COVID-19 संक्रमण के मामूली मामलों के इलाज के लिए सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने 35 रुपये प्रति टैबलेट की दर पर एंटीवायरल दवा फेविपिराविर लॉन्च की है। कंपनी इस दवा को फ्लूगार्ड नाम से बेचेगी। फेविपिराविर को जापान के फ्यूजीफिल्म होल्डिंग कॉरपोरेशन द्वारा एविगेन नाम से इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए विकसित किया गया था। कोलकाता में संशोधित लॉकडाउन दिवसों पर निलंबित रहेगा उड़ानों का संचालन। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की तारीखों में बदलाव के बाद कोलकाता एयरपोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन संशोधित लॉकडाउन दिवसों पर निलंबित रहेगा। कोलकाता एयरपोर्ट ने कहा कि संशोधित लॉकडाउन के तहत 5, 8, 20, 21, 27, 28 और 31 अगस्त 2020 को सभी उड़ानें निलंबित रहेंगी। भारत को कोरोना वायरस से लड़ने में जबरदस्त समस्या हो रही है, ट्रंप ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में बड़े देशों के मुकाबले अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19 से लड़ने में भारत को जबरदस्त समस्या हो रही है और चीन में संक्रमण में भारी बढ़ोतरी दिखी है। उन्होंने कहा, अमेरिका में COVID-19 के सर्वाधिक मामले हैं और सर्वाधिक मौतें हुई हैं। पश्चिम बंगाल में BSF जवान ने की 2 सहकर्मियों की गोली मारकर हत्या।
पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में 146 बटालियन के एक बीएसएफ कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान एक बीएसएफ इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को गोली मारकर हत्या कर दी। रायगंज के पुलिस अध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि कांस्टेबल ने बाद में अपने कमांडर के सामने सरेंडर कर दिया था, उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। नकली शराब त्रासदी पर सनी का पंजाब सीएम को खत, शक्तिशाली नेताओं का किया जिक्र। अभिनेता और गुरदासपुर पंजाब के बीजेपी सांसद सनी देओल ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को खत में नकली शराब त्रासदी की मजिस्ट्रेट जांच को महज लीपापोती बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। सनी ने कहा, यह मानना मुश्किल है कि मुख्य आरोपी बलविंदर कौर जिला प्रशासन की जानकारी और आशीर्वाद शक्तिशाली नेताओं के संरक्षण बिना यह काम कर रही थी। सैनिटाइजर पीने के आदि 235 लोगों की आंध्र प्रदेश पुलिस ने की पहचान। आंध्र प्रदेश पुलिस ने प्रकाशम जिले में कम से कम 235 लोगों की पहचान की है, जो शराब उपलब्ध ना होने पर सैनिटाइजर पीने के आदि हो गए थे। एसपी सिद्धार्थ कौशल ने कहा, हम और लोगों की पहचान कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर सैनिटाइजर पीने के खतरे बता रहे हैं। बिल की शिकायतें मिलने के बाद हैदराबाद के अस्पताल पर कोविड-19 का इलाज करने पर लगी रोक। तेलंगाना सरकार ने तय फीस के बावजूद ज़्यादा बिल बनाने की शिकायत मिलने के बाद हैदराबाद के डेक्सन अस्पताल की शाखाओं पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने पर रोक लगा दी है। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव के मुताबिक पहले से भर्ती कोविड-19 मरीजों से तय फीस ली जाए, वरना अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो सकता है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।